नमस्ते इंडिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग भारत पर। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये वीडियो है हिंदुस्तान के टॉप 5 हॉस्पिटलों में से एक राजा सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जो जयपुर में है, जिसे हम SMS हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं। तो कैसा है वह हॉस्पिटल, उसको जानने के लिए और देखने के लिए चलते हैं हम जयपुर SMS हॉस्पिटल। चलिए चलते हैं जयपुर। चलिए करते हैं जयपुर जाने के लिए पैकिंग शुरू। ये मैंने खोल दिया अपना अलमारी और ये निकाले मैंने कपड़े सारे एक साथ, ये टॉवल वगैरह सब कुछ लेना होगा। ये अलमारी बंद कर दो नहीं तो वाइफ चिल्लाएगी। ये आगे सारे कपड़े एक साथ, ये मेरा टॉवल, ये मेरा बनियान, ये शर्ट, ये ट्राउज़र और ये जीन्स, तो इनको रखते हैं बैग में। ये गया मेरा बैकपैक और ये दो शर्ट हैं, इसको हम फोल्ड करते हैं, छोटा सा बैग बनाते हैं। ज़्यादा बड़ा पैकिंग लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जयपुर यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, सेम डे वापसी भी होनी है। तो चलिए चलते हैं जयपुर। तो मैं घर से निकल चुका हूँ जयपुर जाने के लिए, पर जयपुर जाने से पहले मुझको आगरा कैंट पहुँचना होगा क्योंकि वहाँ से मेरी ट्रेन है। ट्रेन सुबह 6 बजे की है और मैं यहाँ से 5 बजे निकल चुका हूँ। दिखाने के लिए आपको ये रोड पर देखिए कितना कितनी साफ़ सफाई है और देखिए लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था है और काफ़ी लोग भी निकल चुके हैं काम पर और यहाँ पहुँच चुके हैं आगरा कैंट पर। आगरा कैंट का जब आप पहुँचेंगे तो आपका स्वागत देश की आन मान और शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से होगी। यहाँ से आपको देखकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस होगा क्योंकि पूरे आगरा में सबसे बड़ा तिरंगा आगरा कैंट पर ही लगा हुआ है और आगरा कैंट का गेट लाइटिंग से पूरा जगमगा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे चारों ओर लाइटिंग की पूरी व्यवस्था है। जब आप आगरा कैंट पहुँचेंगे तो आपको लगेगा कि आप बड़ी खूबसूरत जगह पहुँच चुके हैं। आगरा कैंट वाकई में काफ़ी खूबसूरत हो चुका है पहले से, लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था है और वहाँ लिखा हुआ भी है आई लव आगरा। तो जो आई लव आगरा आप देख रहे हैं, यहाँ काफ़ी लोग फ़ोटोशूट भी करते हैं आते जाते। तो जयपुर जाने के लिए हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और सामने जो बैठे हैं वो मेरे पिताजी हैं। इनकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है, इन्हीं के इलाज के लिए मैं जयपुर जा रहा हूँ। तो ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है और मैं आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा ट्रेन के अंदर का वीडियो दिखाकर। नॉर्मली सभी ट्रेन से सफ़र करते हैं, सभी को ट्रेन के बारे में पता होता है। अब हम पहुँचेंगे सीधे जयपुर स्टेशन। ये स्टेशन पहुँच गई है ट्रेन, ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर उतरी है। प्लेटफॉर्म 6 से जाने के बाद हम पहुंचेंगे स्टेशन के बाहर और देखेंगे वहां से स्टेशन के बाहर का नज़ारा कैसी है। पिंक सिटी या नाम की पिंक सिटी है या सच में पिंक है, इसकी शुरुआत स्टेशन से ही होगी। ये लीजिए, ये सच में पिंक सिटी है, पूरा स्टेशन पिंक हुआ पड़ा है, पूरा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है स्टेशन का गेट और बाहर जहाँ आउटसाइड की जो वॉल हैं वो सब पिंक कलर हुआ रखा है, इस पर काफ़ी खूबसूरत है। ये देखिए यार, ये पैदल पथ है जाने के लिए, रास्ता है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर है SMS हॉस्पिटल। अब हम हॉस्पिटल के लिए जाएंगे। ये हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं, ये वहाँ के बाहर का नज़ारा है। हम पहुँचे हैं हॉस्पिटल SMS और ये बाहर का गेट है, गेट नंबर 4, इसका नाम है धनवंतरी गेट। यहाँ से अंदर जाने के बाद आप चेकअप कराइए, चेकअप करने के बाद जब आपको डॉक्टर चेक करेगा और फिर आपको एडमिट के लिए बोलेगा। तो हम चलते हैं अंदर की ओर। देखिए काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं देखा। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। जितना बिल्डिंग आपको बाहर से देखने को मिल रही है अभी आपको, ये इस बिल्डिंग का 10% का हिस्सा है। ये देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ गेट नंबर 3। गेट नंबर 3 से आप देखिए ये पूरा बिल्डिंग का नज़ारा हॉस्पिटल के बाहर का। ऐसा कोई इलाज नहीं है जो यहाँ नहीं होता हो, ये गरीब लोगों के लिए एक वरदान की तरह से है। यहाँ किसी का कोई चार्ज नहीं लगता, आप एडमिट करने होने के बाद आपको जो नॉर्मल फीस है वही ली जाती है, जैसे 10 रुपये का पर्चा लगता है चेकअप कराने के लिए और एडमिट कराने होने के लिए आपके यहाँ किसी भी हॉस्पिटल से रेफ़र किया हुआ हो। और ये देखिए आप, जितना हॉस्पिटल आपको सामने मैंने आपको वीडियो में दिखाया है इससे 4 गुना
और बड़ा है पीछे की ओर। यहाँ पूरी व्यवस्था है साफ़ सफाई की, देखिए अब मैं अंदर चलता हूँ, पूरा हॉस्पिटल बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कहीं कोई गंदगी नाम की चीज़ नहीं है। पहली बार किसी सरकारी हॉस्पिटल को मैं इतना साफ़ सुथरा देख रहा हूँ। पूरी व्यवस्था जैसे काम करती हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में, ठीक उसी तरीके से यहाँ की होटल स्टाफ नर्स वगैरह उसी तरीके से काम करती हैं जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में काम करती हैं। आप उस सिर्फ और सिर्फ उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा, और जैसे जैसे आप फॉलो करेंगे आपके मरीज को काफ़ी कुछ सहूलियत मिलेगी। ये हॉस्पिटल की साफ़ सफाई देखिए, अंदर जहाँ बेड है वहाँ एक पेशेंट के साथ एक ही आदमी को अलाउ करते हैं। ये देखिए आप, 5 मिनट की वीडियो में पूरे हॉस्पिटल की जानकारी देना बहुत ही मुश्किल है। तो अगली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमको और भी प्रेरणा मिले और आपको ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाई जा सके, जिससे आपको पूरी जानकारी हो और आप अपने किसी भी मित्र की अच्छे से मदद कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करिए।